फिर आपका अब आपको बताया एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल स्कैंडल केस की समाअत फवाद हसन फवाद समेत तमाम मुलजिमान को 15 रोजे जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमों को 14 नवंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म भी दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सकलैन जावेद से। जी सकलैन, बताइएगा आज की समाअत में क्या पेशरफ्त रही? जी, एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू आशियाना इकबाल स्कैंडल केस पर समाअत हुई, जिसमें साबिक डीजी एलडीए आ चीमा समेत दीगर मुलजमान को अदालत के रूबरू पेश किया गया। तो अदालत ने फवाद हसन फवाद आह चीमा समेत तमाम मुलजमान को 15 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने इन मुलजमान को 14 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। इन मुलजमान में फवाद हसन फवाद आह चीमा, बिलाल कदवई, शाहद शफीक, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद और आरफ भट्ट वगैरह शामिल है। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया था। इन्होंने लतीफ एंड सन्स का ठेका गैर कानूनी तौर पर मंसूख करके कासा कंपनी को ठेका दिया और पैरागॉन को इसको नवाजने के लिए मनपसंद अफराद को नवाजा था, जिससे कौमी खजाने को 660 मिलियन का नुकसान पहुंचा था। इस हवाले से बहुत शुक्रिया मोहम्मद सकलैन जावेद, आप अपडेट कर रहे थे।